السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز حاضرين आइए हम आज शिर्क के पॉइंट्स आगे के बताते हैं। जैसे कि सूरज या चांद या सितारे, इनके लिए तासीर है। जैसे कि मंडे का दिन अच्छा है, ट्यूसडे का दिन खराब है, ये दिन अच्छा है, वो दिन खराब है, तो सूरज जब एक दिन निकलता है तो बुराई लाता है, दूसरे दिन निकलता है तो अच्छाई लाता है, सितारे मंगल बुराई लाता है। लोग यही माबूद बना रखे हैं दुनिया को। इसी तरह कैलेंडर देखना कि शादी वगैरह के लिए कौन सा दिन अच्छा है। हम मुसलमानों में भी ये एक बात आम है, लोग कैलेंडर देख करके शादी का दिन तय करते हैं, कौन सा दिन अच्छा है कौन सा दिन बुरा है, उसको जंतरी भी आमतौर से कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें शिर्क में शुमार है। इसी तरह जैसे कि बिल्ली रास्ता काट देती है तो लोग कहते हैं आगे मत जाओ, आगे से पहले किसी को गुजर जाने दो फिर जाना, वरना कुछ बुरा होगा। तो ये सब क्या है, ये सब अकायद भी शिर्क में शुमार है। इसी तरह आइए आगे देखते हैं, कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो लोग बोलते हैं दूध या दही खा करके जाना, मीठा खा करके जाना, कुछ अच्छी शुरुआत होगी। ये सारे अकीदे भी शिर्क में शुमार होते हैं। ये शिर्क के मैं पॉइंट बता रही आप लोगों को। इसी तरह आगे है रिया, दिखावा करना, कोई भी अमल, नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी अमल करना, सब शिर्क में शुमार होते हैं। इसी तरह गैरुल्लाह की कसमें खाना, अल्लाह के अलावा काबे की कसम, माँ बाप की कसम, बच्चे वगैरह वगैरह सब की कसम खाना शिर्क में शुमार है। अल्लाह के अलावा किसी की भी कसम खाना दुरुस्त नहीं, ये हराम है। आइए आगे देखते हैं, गैब की बातें मालूम होने का दावा करना शिर्क है, ये मालूम होने का दावा करना शिर्क है। इसी तरह नमाज को छोड़ना कुफ्र और शिर्क दोनों में शुमार है। इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के कड़े या बंधन, बैन बांधना हाथों की कलाई पर, ये सब शिर्क में शुमार है। क्यों शुमार है? क्योंकि लोग मुख्तलिफ़ किस्म के जो कड़े पहनते हैं या फ्रेंडशिप बैंड बोल लीजिए उसको, किस नस्बत से पहनते हैं? हमारी नस्बत, हमारी नीयत यही रहती है ना कि इसको पहनने से हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी। या अंगूठी कोई पहन लेते हैं तो कोई अंगूठी होती है, इसको पहनने से गुस्सा नहीं आएगा, इसको फला अंगूठी पहनने से हमारे काम बन जाएंगे, हमारे काम आसान हो जाएंगे, तरह तरह के लोगों के अकीदे होते हैं। तो ये सारे काम करना और इस तरह का अकीदा रखना सब शिर्क में शुमार है। अंगूठियों का पहनना इस नियत से कि ये मदद करती है, बोलते हैं बाबा ने दिया है फला काम के लिए, एग्जाम के लिए वगैरह वगैरह, नियत से पहनते हैं, सब शिर्क में शुमार है। आइए आगे देखते हैं। इसी तरह टूटता सितारा, जो सितारे टूटते हैं तो वो शैतान को मारा जाता है। फरिश्ते एक तारा लेते हैं और तारे को फेंकते हैं तो शैतान बोलता है ये बात थी, और आज हम लोग कहते हैं सितारा टूट रहा है, दुआ मांगो। अस्तग़फिरुल्लाह, किस किस तरह का अकीदा देखने को मिलता है लोगों का। कहते हैं सितारा टूट रहा है, जल्दी से कोई विश मांगो, कोई दुआ मांगो। इसी तरह लोग अरे ऐसी ऐसी बातें मेरे सामने आई हैं, लोग ट्रेन के पटरी के नीचे से, जैसे कि ऊपर का पुल होता है ना, उसके नीचे से गुजरते हैं, कहते हैं कि जब अगर ट्रेन ऊपर से जाती रहे और नीचे से गुजरो कुछ विश मांगो। इसी तरह जो हमारी पलकें होती हैं, पलकें अगर हमारी टूट गई उसको अपने हाथों पर रखो और कुछ दुआ मांगो और उसको फिर फूंक कर दो, मतलब फूंक से उड़ा दो, दुआ मांगो वो पूरी होगी। अस्तग़फिरुल्लाह, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम। ये इसी तरह देखते हैं आगे, जिस तरह मुर्गा सुबह चिल्लाता है, जैसे सुबह मुर्गा चिल्लाता है तो लोग कहते हैं दुआ मांगना चाहिए क्योंकि मुर्गा चिल्ला रहा है, जबकि मुर्गे तो फरिश्तों को देखकर चिल्लाते हैं। या गिरती हुई पलकों से मांगना शिर्क है, जैसा कि मैंने अभी बताया, लोग कहते हैं विश मांग रहे हैं। इसी तरह इल्मे नुजूम, मतलब इसी तरह इल्मे नुजूम मतलब राशि वाले जो ढोंगी लोग बताते हैं कि आपके ये सितारे बता रहे हैं और लोग उनको
फॉलो कर रहे हैं। आप न्यूज़ में सुन लीजिए या न्यूज़पेपर देख लीजिए, उसमें लोग अपनी अपनी राशियाँ ढूंढते हैं, किसकी कुंभ है, किसकी कन्या है और फला फला क्या क्या राशियाँ। हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि लोग अपनी अपनी राशियाँ ढूंढते हैं और देखते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा रहेगा, आज का दिन हमारा कैसा गुजरेगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये सब शिर्क भी है और कुफ्र भी है। राशि पढ़ना भी कुफ्र भी है और शिर्क भी है, दोनों ही हैं। जितना हो सके जल्द से जल्द इनसे परहेज करें और अल्लाह से सच्ची तौबा करें। आइए आगे देखते हैं आगे के पॉइंट्स क्या हैं। मुशरिकों के त्यौहार फेस्टिवल्स को मनाना या मुबारकबाद देना भी शिर्क है। हम मुशरिकों के त्यौहार में भी, उनके माबूद की खुशी में भी हम उन्हें मुबारकबाद दें, सोचने वाली बात है, ये शिर्क है। बच्चों को मुशरिकों के फेस्टिवल पर बाहर घुमाने ले जाना, लाइटिंग रोशनी की नियत से ही ले जाना, लेकिन ये सब अकायद जो है, जितनी भी अकीदा है ना, सब शिर्क में शुमार है। हमें दूर रखना चाहिए इससे, अपने बच्चों को भी। आइए आगे देखते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, लेकिन शॉर्ट में बताने के साथ साथ मैं वजाहत भी कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। आगे है, क्या कहती हैं आपके हाथों की लकीरें? जो लोग देखते हैं लकीर और जो दिखाते हैं कि देखें मेरे हाथ की लकीर में क्या है, मेरे आने वाला कल कैसा होगा, तो इसे परहेज करें, क्योंकि इल्म गैब का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं। कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं। इसी तरह आगे के पॉइंट्स हैं, पेन फुकाना एग्जाम्स के टाइम। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मैंने अपने मुसलमानों में ही, कि उनके एग्ज़ाम्स करीब आते हैं ना, तो वो लोग ले जाते हैं मौलवियों के पास पेन फुकाने के लिए। तो पेन फुकाना एग्ज़ाम के टाइम या किसी और वक्त पर, कपड़ों पर, ड्रेस पर फुकाना, फला फला, ये सब चीज़ें शिर्क में शुमार हैं। आइए आगे देखते हैं। बहुत पहले से व्हाट्सएप हो, हाइक हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, अदरवाइज कोई भी ऐप्स हो, ये सब पर ये SMS अक्सर आते रहते हैं कि ये मैसेज को इतने शेयर करो तो खुशी आएगी और नहीं किया तो दुख आएगा, फला फला। तो इन सारे मैसेज से भी बचें, ये भी शिर्क में शुमार हो जाते हैं। इसी तरह आइए आगे देखते हैं। तकदीर का हाल मालूम करना या करवाना, चाहे हाथ को देखकर हो या पेशानी को देखकर हो, चेहरे को देखकर हो या कोई सॉफ्टवेयर के जरिए हो, ये सब चीज़ें जो है शिर्क में शुमार है। ये सारी चीज़ें शिर्क में शुमार हैं, तकदीर का हाल मालूम करना। इसी तरह मेरे सामने का मामला है कि एक लड़की ने जो है ना, एक मौलवी से कहा कि मौलाना ज़रा बताइए तो कि हम एग्ज़ाम्स में क्या आएंगे, मेरा मतलब हमने एग्ज़ाम दिया है उसके बाद मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। तो मौलवी बोलते हैं, लुंगी पर पहले लिखते हैं और फिर बोलते हैं, बेटी तुम 2 नंबर से सेकेंड डिवीज़न आएगी। उसके बाद वो लड़की का जो है रिज़ल्ट आता है, इंटर का रिज़ल्ट था। वो लड़की का जब रिज़ल्ट आता है ना, तो वो 2 नंबर से सेकेंड डिवीज़न, तो सोचिए वो 3rd डिवीज़न आए करीम में है। और जिस दिन उन्हें पुकार कर अल्लाह ताला फरमाएगा, जिन्हें तुम मेरे शरीक ख्याल करते थे वो कहाँ हैं। सूरह कसस की ये आयत है, आयत नंबर 74 में है, आप लोग भी देखिएगा। इसी तरह जब मुशरिकीन अपने शरीकों को देख लेंगे तो कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, यही हमारे वो शरीक हैं जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। बस वो जवाब देंगे कि तुम बिल्कुल ही झूठे हो। सूरह नहल की ये आयत है, आयत नंबर 86। मुआज़िज़ हाज़रीन, शिर्क के अलावा हर गुनाह माफ़ हो जाता है, हर गुनाह माफ़ हो जाता है शिर्क के अलावा। अल्लाह के साथ शरीक करने वाला बहुत दूर की गुमराही पर जा गिरा। इसी तरह तहतल असबाब मदद मांगना, यानी जो शख्स सामने है वो जायज़ है, अल्लाह ने खुद इसका हुक्म दिया है। नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो और गुनाह और जुल्म की बातों में मदद ना करो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह का अजाब सख्त है। सूरह अल-माईदा आयत नंबर 2 में। इसी तरह गैब में मदद मांगना फौकल अजबाब है, जैसे कि आजकल लोग, कुछ लोग औलिया को पुकारते हैं, ये जाहिर सी बात है शिर्क है ये। आयत नंबर 107 में है, क्या तुम्हें नहीं मालूम
कि जमीन व आसमान का मुल्क अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली और मददगार नहीं। सूरह बकरा आयत नंबर 107 में है। इसी तरह लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना उनको ज़र्रर पहुंचा सके और ना उनको नफ़ा, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास तुम्हारी सिफारिशी है। आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज़ की खबर देते हो जो अल्लाह को मालूम नहीं, ना आसमानों में ना ज़मीन में, वो पाक है इन लोगों के शिर्क से। सूरह यूनुस की आयत है, आयत नंबर 18। तो बाज़ लोगों को अल्लाह ने हिदायत दी है और बाज़ पर गुमराही साबित हो गई है। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को दोस्त बना लिया है और ख्याल करते हैं कि रास्ते पर है। सूरह आराफ़ की आयत है, आयत नंबर 30 में, आप लोग खुद देखिएगा। इसी तरह ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करो और उन लोगों की भी जो तुम में से हाकिम है, और अगर किसी बात में इख्तलाफ हो जाए तो उसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करो। ये बहुत अच्छी बात है और अंजाम के लिहाज से बेहतर है। सूरह निसा आयत नंबर 59 में है। तो मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सबसे सच्ची किताब अल्लाह की किताब है और सबसे बेहतर तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। सबसे बुरी चीज़ दीन में नए नए काम पैदा करने हैं, और हर नया काम बिदत है और हर बिदत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के सामने जो मैंने चंद पॉइंट्स रखे, इसके ताल्लुक से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों की मालूमात हुई होगी, जिससे कि आप लोग आसानी से शिर्क से बच सकती हैं। तो अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करें और अपने आमाल का जायज़ा लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।